वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपको थंबनेल पर पता चल ही गया होगा कि आज हम फ़ोन के फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका पहले से कोई यूट्यूब चैनल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम PNG फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपने फ़ोन के लिए कवर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे फ़ोन पर हमारी वीडियो पर कभी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स एक तरीके का स्क्रीनशॉट है। तो सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस ऐप को ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक अपना स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ गए। तो यहाँ पर सिंपली से आपको कोई भी एक फ़ोन सर्च कर लेना है। तो अगर आपका फ़ोन इसमें नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेकंड मेथड बताऊंगा। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप इससे भी बेटर क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो पर अभी लगाया हुआ है, वैसा ही आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किस ऐप से डाउनलोड करके रखा है, गैलेक्सी Note 7 का। तो मैं यहाँ पर इसे सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक प्लस की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर प्लस वाले बटन पर ओके कर देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर मेरी जो फ़ोन की गैलरी है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट आ गया जो हमने अभी अभी लिया था। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर फुली यहाँ पर आ गया इसमें, ये देखिए। तो उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर नीचे शेडो की ऑप्शन आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर इसे ओपन करना चाहूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर दिया। तो इससे ये देखिए, हमारे फ़ोन के चारों और एक यहाँ पर शेडो आने लग गई। अगर मैं यहाँ पर इसे नहीं चाहूँ तो नहीं भी लगाना चाहता, अगर ऐसे आपको बढ़िया लगता है तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली से एरो के बटन पर क्लिक करना है। एरो के बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ब्लर की ऑप्शन आ रही है। आपको यहाँ पर सिंपली जाना है कलर वाले में। कलर वाले में जाने पर यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर एक बैकग्राउंड रिमूवर की यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही है, ये देखिए यहाँ पर वाइट वाला। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर इसका सारा बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो गया। और इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको सेव के बटन पर ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये वाली पिक है वो मेरी गैलरी में अभी सेव हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं अपने फ़ोन की गैलरी में जाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली पिक मेरे पास यहाँ पर मेरे फ़ोन की गैलरी में भी सेव हो गई। यहाँ पर ये देखिए, बैकग्राउंड अभी ब्लैक है। और अगर आप अपनी वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिंपली डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सेकेंड मैथड। उसके लिए आपको अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है MI Phone Frame PNG। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास PNG की फाइल्स आ गई। यहाँ पर मेरे को इमेज वाले पर ओके कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो पर ये वाला फ्रेम लगा है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो ये देखिए, नीचे हमारे पास और भी बहुत सारे आ गए। ये देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा है, अगर आप ये लगाना चाहें, नहीं तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्रेम मिल गए। ये फ्रेंड्स बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, यहाँ पर कॉपीराइट नहीं आएगा आपकी वीडियोज़ पर, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मुझे यहाँ पर इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए मेरे को यहाँ पर इसे दबा कर रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास ऑप्शन आ गए डाउनलोड इमेज की। अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर सिंपली सा ये मेरी फ़ोन की गैलरी में सेव हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना, ताकि और फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।